अगर दोस्तों आप भी असील मुर्गों के शौकीन हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे असील यूट्यूब चैनल के लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत सारे पोल्ट्री फार्म भाई अपने घर पर देसी मुर्गियाँ पालते हैं अंडों के परपोज के लिए। बहुत सारे इंसान कैजुअल तौर पर भी देसी मुर्गियाँ पालते हैं अपने घर पर, ठीक है। बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर लेयर पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, तो ऐसे में बहुत सारे इंसानों के मन में, पोल्ट्री फार्मर भाइयों के मन में एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है, क्या सर बिना मुर्गी के भी मुर्गी अंडा देती है? क्योंकि पोल्ट्री के इसमें आपने कदम रखा है, तो ऐसे में ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर बहुत सारी आपने खबरें पढ़ी होगी कि मुर्गी बिना मुर्गी के भी अंडा देती है। तो ऐसे में आपको प्रॉपर क्लैरिफिकेशन चाहिए, प्रॉपरली क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि क्या वाकई में ये बात सच है कि बिना मुर्गी के मुर्गी अंडा देती है। क्योंकि हमने बचपन से देखा है, जब कभी भी मुर्गी ने अंडा दिया है तब मुर्गी के साथ ही मुर्गी रहती है, या फिर मुर्गा और मुर्गी में मेटिंग या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी होने के बाद ही मुर्गी ने अंडा दिया है। तो इस सवाल का भी आपको आंसर दूंगा कि क्या बिना मुर्गी के भी मुर्गी अंडा दे सकती है। और उसके साथ साथ और एक सवाल आप पोल्ट्री फार्मर भाई बहुत बार पूछते हो कि सर हम हमारे घर पर देसी मुर्गियाँ पालते हैं, हम लेयर पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, तो किस तरीके से हम हमारे मुर्गियों के अंडों का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं? सबसे पहले एक बात को आपको गौर करना है कि वक्त के कमी के कारण ये वीडियो मैं हाईवे पर दुकान पर से ही बना रहा हूँ, तो इसके चलते आपको ऑडियो में बहुत सारे गाड़ियों का आवाज़ आ सकता है, तो उस बात को आपको इग्नोर कर देना है। तो वीडियो के आगे ले जाने के पहले सबसे पहले पीडीएफ ईबुक और हार्डबुक का इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो के हम आगे बढ़ेंगे। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और पोल्ट्री हार्डबुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और पोल्ट्री हार्डबुक दोनों में भी सेम इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ईबुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्डबुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 9172611433 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। सबसे पहले, क्या मुर्गी बिना मुर्गे के अंडा दे सकती है? या दोस्तों 100% बिना मुर्गे के भी मुर्गी अंडा दे सकती है। देखिए, जैसे ही आपकी मुर्गी मैच्योरिटी स्टेज पे आती है, मैच्योरिटी स्टेज कब होती है, ज़्यादातर जितनी भी देसी ब्रीड्स होती है, डबल एफ जी हो, डिपी क्रॉस हो, सुवर्ण दारा हो, गावरान हो, पाथरडी हो, सोनाली हो, ये सभी के सभी नस्ल वाली जो मुर्गियाँ होती है 99% 140 दिन से लेकर 155 दिन के भीतर में मैच्योरिटी स्टेज पर आ जाती है। मैच्योरिटी स्टेज पर आ जाती है मीन सेंस उनकी मैच्योरिटी यानी कि अंडा देने की उम्र हो जाती है। तो इन दिनों में, इतने दिन कम्प्लीट होने के बाद अगर किसी मुर्गे के साथ उनकी मेटिंग या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी होती है या फिर नहीं होती है, इसका बिल्कुल भी असर नहीं गिरता कि आपकी मुर्गी अंडा देगी या फिर नहीं देगी। आपकी मुर्गी का मुर्गे के साथ मेटिंग या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी होने दीजिए या फिर नहीं होने दीजिए, जैसे उस पर 145-150 दिन कंप्लीट हो जाएंगे उसके उम्र के, उसकी मैच्योरिटी स्टेज कंप्लीट हो जाएगी, वो खुद ब खुद मैच्योरिटी स्टेज कंप्लीट होने के बाद अंडा देना शुरू कर देगी। फर्क सिर्फ इतना गिरेगा कि मुर्गा अगर मुर्गी के साथ रहता है और उन दोनों के बीच में मेटिंग या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी अगर होने के वजह से अंडा अगर मुर्गी देती है तो वो अंडा फर्टाइल होगा। फर्टाइल होगा मतलब उस अंडे को अगर आप इंक्यूबेशन करते हो मुर्गी के नीचे बैठा के या फिर इंक्यूबेटर मशीन में लगा के, तो उस अंडों में से चिक्स निकलेगा। लेकिन अगर मुर्गा आपके मुर्गी के आसपास में नहीं है और आपकी मुर्गी की मैच्योरिटी स्टेज पूरी कंप्लीट हो गई है, मतलब आपकी मुर्गी की एज तकरीबन 130 से लेकर 150 दिन कम्प्लीट हो गए हैं, ऐसे में भी आपकी मुर्गी खुद ब खुद अंडा देगी। फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि उस अंडे से चूजा नहीं निकलेगा क्योंकि वो अंडा अनफर्टाइल रहेगा। जैसे ही मुर्गी मैच्योरिटी स्टेज पे आ जाती है तो मुर्गी के पेट में एक अंडों की थैली होती है, ठीक है। तो जैसे ही वो मैच्योरिटी स्टेज कंप्लीट कर देती है, मुर्गी के साथ उसकी मेटिंग होने दीजिए या फिर ना होने दीजिए, खुद ब खुद अंडा डेवलप होगा और मुर्गी अंडा दे देगी। तो यहाँ पर आपको एक बार क्लियर हो गई कि बिना मुर्गी के भी मुर्गी अंडा दे सकती है। और जो कोई भी भाई मुर्गी का अंडा खाने से जीव हानि होती है, बस इस कारण से अगर अंडा नहीं खा रहा है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो मॉल में या फिर किराना स्टॉल पे जो सफ़ेद अंडा मिलता है वो पूरी तरह से अनफर्टाइल अंडा होता है। उसमें किसी भी प्रकार का जीव या फिर किसी भी प्रकार के मुर्गे का स्पर्म ना हो पाने के वजह से वो पूरी तरह से अनफर्टाइल होता है। इस वजह से आप उस अंडे को खा सकते हो, किसी भी प्रकार की जीव हानि नहीं होती है। हाँ, अगर आप
किसी देसी मुर्गी का अंडा खाते हो जो कि बाहर में घूमते हैं फिरते हैं, मुर्गा और मुर्गी साथ में रहते हैं, तो ऐसे में अगर आपकी मान्यता है कि किसी अंडा खाने के वजह से किसी प्रकार की जीवहानि होती है, वो मांसाहार होता है, तो ऐसे में आप देसी मुर्गी का अंडा मत खाइए। लेकिन अगर आपको अंडा खाना है और किसी भी प्रकार की जीवहानि अगर आपको नहीं करनी है, आपकी मान्यता है कि आपको जीवहानि नहीं करनी है, तो ऐसे में आप शुद्ध शाकाहारी अंडा, सफ़ेद अंडा बिल्कुल 100% खा सकते हो। अभी बात कर लेते हैं कि मुर्गियों के अंडों का प्रोडक्शन किस हिसाब से बढ़ाना है। मैंने इसके पहले भी बहुत बार इस टॉपिक पे बात कर चुका हूँ। जैसे कि पहली बात, फीड की कमी नहीं होनी चाहिए। फीड की कमी नहीं होनी चाहिए का मतलब क्या होता है कि मुर्गी को अंडा डेवलप करने के लिए जितने भी फीड की रिक्वायरमेंट होती है उतना फीड उसको मिलना चाहिए। पहली बात, यहाँ तक की बात क्लियर होगी। क्योंकि क्या होगा कि जितनी भी एक शरीर की रिक्वायरमेंट होती है, शरीर के रिक्वायरमेंट के अलावा भी मुर्गी जब अंडा देना शुरू कर देती है तो उसको एक्स्ट्रा का फीड लगता है मुर्गी को अंडा बनाने के लिए। तो ऐसे में डेली के रूटीन से जब कभी भी आपकी मुर्गी अंडा देना स्टार्ट कर देती है तो उसको फीड प्रॉपर मात्रा में दीजिए। ऑटोमेटिकली आपका अंडों का प्रोडक्शन बढ़ेगा। उसके शरीर में कैल्शियम की कमी आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन में आपने देखा है कि मुर्गी का जो भी अंडा बनता है उसके लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसीलिए हफ्ते में 3 बार लिक्विड जो कैल्शियम होता है वो पानी में मिलाकर आप अपने मुर्गियों को दीजिए। आपकी मुर्गी स्ट्रेस में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जब कभी भी आपकी मुर्गी स्ट्रेस में होगी तो आपकी मुर्गी ऑटोमेटिकली अंडा देना एक तो बंद कर देगी, या तो जितनी क्वांटिटी वो पहले देती थी उतने क्वांटिटी में अंडा नहीं देगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी मुर्गी किसी भी कारण के चलते स्ट्रेस में नहीं आनी चाहिए। स्ट्रेस में आने के कौन से कारण होते हैं एक बार वो भी समझ लीजिए। इन्वायरमेंट का चेंज होना, जिस जगह पर आप मुर्गी को पहले रखते थे उस जगह से किसी दूसरे जगह पर उसको ट्रांसफ़र कर लेना, मुर्गी किसी 4-5 दिन के लिए बीमार गिर जाना, इन सभी कारण की वजह से आपकी मुर्गी स्ट्रेस पे आ जाती है। तो इन सभी बातों को अगर आप कवरअप करते हो तो आपकी मुर्गी ऑटोमेटिकली अंडा ज़्यादा देगी, या फिर उसको दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हो कि जितना पहले अंडा देती थी उससे ज़्यादा अंडा देगी, अगर इन सब बातों की तरफ आप प्रॉपरली ध्यान दोगे तो। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। ज़रूर अगर वो सवाल का क्वेश्चन का जवाब अगर मुझे देना अच्छा लगा, बाकी लोगों का अगर उस जवाब से फ़ायदा होता होगा तो ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर मैं आपको दे दूंगा। इसी तरह का पोल्ट्री का नॉलेज फुल वीडियो लेकर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर दोस्तों आप भी असील मुर्गों के शौकीन हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे असील यूट्यूब चैनल के लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।